आप जो है बैल से दूध निकालो, तो बैल से दूध निकलने वाला नहीं है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ईपीएस के मुद्दे पर, ये शुरुआत है, ईपीएस मुद्दे से जुड़े हुए 30 करोड़ भाई हैं जो ईपीएस से जुड़े हुए हैं, और उस मुद्दे पे आके सब लोग एकत्रित हो जाए और अच्छी शुरुआत करें, ये प्राथमिक शुरुआत करें, विजय हमारी सुनिश्चित है। धन्यवाद सर। कि पेंशन स्कीम नहीं आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, तो अकेले हिंद मजदूर सभा थी जिसने कहा कि नहीं आनी चाहिए, जब लागू होगी तो अब इसमें संशोधन सुधार करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आएगी ही नहीं, आज जिनकी आप बात कर रहे हो वो ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं, वो तो उस टाइम विरोध कर रहे थे पेंशन स्कीम का। तो विश्वास दिलाते हैं कि 7.5 है अपडेट, ये डिमांड हमारी तुरंत मंजूर हो जाएगी। लेकिन दूसरा पक्ष आपको हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, हम तो साधक लोग हैं, हमारे पास में शक्ति भी है और भक्ति भी है, और हरभजन सिंह सिद्धू जैसे माननीय महोदय का हमें आशीर्वाद भी है, इसलिए निश्चित रूप से हमें विजय मिलेगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को हम नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, और आज प्रसन्नता की बात है, आज हमारे हरियाणा प्रदेश का आज नंबर था क्रमिक अनशन के लिए, क्रमिक अनशन का आज तीसरा दिन है, सभी प्रदेशों से प्रांतवार सभी भाई बहन इस ठंड के दिनों में, कल तो आपने देखा होगा मौसम कितना खराब था, लेकिन हमारे वीर भाई सभी परिस्थिति को झेलते हुए यहाँ पधारे, उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, उनकी व्यथा को कल आप सबने देखा, मीडिया ने देखा। आज प्रसन्नता की बात है, चूंकि हरियाणा का दिन है इसलिए हरियाणा स्टेट के जो हमारे एचएमएस के प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हैं, हिंद मजदूर सभा के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनके जो माननीय अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी है हरभजन सिंह सिद्धू जी, उन्होंने हर बार हमारा समर्थन किया है, कमांडर साहब का समर्थन किया है, उन्होंने पत्र भी दिए हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन चूंकि त्यागी जी बड़े नेता है हमारे बीच में है, हम अपनों से अपनी बात कहना चाहेंगे, ये हमारी वेदनाएं हैं। त्यागी जी आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस महत्व को जो आपसे कहना चाहते हो समझिए, और निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को आप अपने जो हमारे श्रमिक संगठनों के नेता हैं उनको उन तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। मित्रों, हमारा जो पूरा फंड है 1995 के पहले, हम ये जो सब कह रहे हैं माननीय कमांडर साहब की आज्ञा से कह रहे हैं, उन्होंने पूछा, उसे कहा कि सर 2 मिनट निवेदन करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि कहिए आप अपनी बात को। त्यागी जी हमारे अपने हैं, आप सबको पता है 1995 के पहले जो स्कीम थी, 1971 की स्कीम एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम, उसका पूरा पैसा इस स्कीम में डाइवर्ट हो गया, और 1995 तक हमारे भाइयों के जो पैसे कटे थे, जो अंशदान किया था, वो कम से कम 7,500 से 8,000 रुपए था। उसका आज का मूल्यांकन किया जाए तो कम से कम 7.5 लाख रुपए है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब हम सीबीडी मेंबर्स के पास में जाते हैं, एक और लिंक अब आपको बता दें कि ये जो हमारा पैसा है ये ईपीएस 95 स्कीम में आ गया, अब ये पूरा पैसा मैनेज करने वाली, फंड मैनेज करने वाली जो व्यवस्था है वो है ईपीएफओ का फंड ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उसकी देखरेख करते हैं, उसका मैनेजमेंट भी करते हैं। अब ये जो सीबीटी मेंबर्स हैं ये कह रहे हैं कि फंड 2000 से घाटे में है, अरे भैया 2000 फंड से घाटे में है तो उसको मैनेज आप कर रहे हो, ये श्रमिकों का पैसा है, ये बेनिफिशियरीज का पैसा है, तो फंड को अच्छी तरह से सुदृढ़ करना भी इनका काम था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का काम था, लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब हम सीबीटी मेंबर्स को पूछते हैं, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिए फिर बताते हैं आपको,
हरभजन सिंह सिद्धू तो हमें हरदम सपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि आप उस संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी सीपीपी मेंबर हैं वो कहते हैं भैया तुम्हारा पैसा है कहाँ, तुमने तो 7,500 रुपए जमा किए थे, लेकिन 7,500 रुपए की कीमत आज 7,500 है क्या, आज तो लाखों में है। और जब आपने 2000 से आप कह रहे फंड घाटे में है तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर दो, सीपीटी मेंबर ध्यान सुनिए हमारी बात को, जब कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपए का रिकमेंडेशन किया प्लस डीए का, तो सीबीटी के अंदर एक और समिति है जिसका नाम है पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, तो पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने केवल 1,000 रुपए का रिकमेंडेशन दिया। अगर पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो सीबीटी मेंबर्स इसमें हमारे हैं, जो हमारे श्रमिक नेता हैं, अगर वो 3,000+ डीए का रिकमेंडेशन करते थे तो सरकार जो है उसी समय हमें 3,000 रुपए प्लस डीए देती थी, लेकिन चूंकि इन्होंने रिकमेंडेशन 1,000 का किया इसलिए सरकार ने 1,000 रुपए दे दी। आगे फिर चलिए, आगे फिर और सितंबर 2020 में पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने जब माननीय कमांत साहब 7,500 रुपए की डिमांड कर रहे थे, उसका प्रस्ताव बनने को तैयार बिल्कुल हो चुका था, उसी समय पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने केवल 2,000 रुपए का प्रस्ताव सामने रखा साहब, बिल्कुल 2,000 रुपए दे दिए, क्यों हम भिखारी हैं क्या, तो हमारा पैसा आप हमारे श्रमिक जो वर्ग है उसके आप प्रतिनिधि हैं, आपका काम है कि हमारे लिए लड़ना। लेकिन बड़े दुख की बात है, हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, दिसंबर 2018 में जब हमारा आंदोलन हुआ 4 दिसंबर 2018 से लेकर 7 दिसंबर 2018 तक, तो श्रम मंत्री ने कहा कि हम आपकी मांगे आज ही मंजूर करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि देखिए चूंकि हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई थी, श्रम मंत्री ने कहा कि हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए और हम आपकी मांगों को तुरंत मंजूर करेंगे। जिस समय हमारा आंदोलन शुरू था उसी समय ये नागपुर वाले एक संगठन है वो 3,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे सर, कितने रुपए की, 3,000 रुपए की डिमांड। श्रम मंत्री ने कहा कि भैया 20/12/2018 की बात है, मुझे याद है, हम लोग श्रम मंत्री को मिले, श्रम मंत्री जी ने कहा कि भैया श्रमिक संगठन तो केवल 3,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, कमांडर साहब मैं आपको 7,500+ डीए कैसे दूं। और उसी समय जितने भी बीएमएस को छोड़ के जितने भी श्रमिक संगठन है इन्होंने भी 3,000 रुपए की डिमांड की, केवल 3,000 रुपए की डिमांड। पूरे भारत वर्ष में 8 और 9 जनवरी 2019 को आंदोलन हुआ जिसमें सभी फेडरेशन के भाई शामिल थे और उन्होंने कहा केवल हमें 3,000 रुपए चाहिए, और उसी समय हमारे साथ में घात हो गया। उसी समय श्रम मंत्री ने कहा कि अब जो है अब कमांडर साहब मैं आपको 7,500 रुपए प्लस ये नहीं दे सकता हूँ, मैंने तो प्रस्ताव भेज दिया है, और कहने का मतलब भी है कि हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो सदस्य हैं इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज है, अलग अलग उनके विचार हैं, आज भी भारतीय मजदूर संघ केवल 5,000 रुपए ये आज भी 3,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। और एक महत्वपूर्ण बात कि आज भी जो और संगठन है, हम आपको इसलिए कह रहे हैं यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि आप जवाबदार नेता हैं, और जो श्रमिक संगठन है एटक के हो सीटू को हो ये सब लोग 9,000 रुपए प्लस डीए की डिमांड कर रहे हैं, मतलब कि हमारा काम, आप 7 सदस्य एक जगह नहीं बैठ सकते हैं क्या, आप 7 सदस्य एक जगह बैठिए और आप कहिए कि 7,500+ डीए की डिमांड का हम समर्थन करते हैं। देखिए हाथी के दांत खाने के दूसरे दिखाने के दूसरे, भारतीय मजदूर के संघ का हमारे पास में पत्र है जनरल सेक्रेटरी का कमांडर साहब के नाम से कि 7,500+ डीए का हम समर्थन करते हैं, पत्र हमारे पास में है,
लेकिन कहते क्या है, अंदर डिमांड करते केवल हमें 5,000 रुपए चाहिए। और जो उसमें ये भी हिंद मजदूर सभा माननीय सिद्धू जी, उनका भी पत्र हमारे पास में है, इसलिए हमने आपको याद किया, उनका पत्र भी हमारे पास में है। उन्होंने कहा कि कमांडर साहब की डिमांड 7,500+ दिए, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर से फेडरेशन 9,000+ डीए की बात कर रहा है। 7,500+ डीए किस लिए, उसका कारण यह है कि हमारे पास में कमांडर साहब के पास में जो टीम है, फाइनेंस की टीम, उसने सिद्ध कर दिया है कि 7,500+ डीए ये हमारे पेंशन फंड के ब्याज से दिया जा सकता है। इसके लिए आपको और किसी कोई फंड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 7,500+ डीए मांग रहे हैं। आपके माध्यम से आपसे प्रार्थना है, हम जितने सीबीटी मेंबर्स हैं सबके पांच चार्ट, सबके पैर चाट चुके हैं, चाहे वो हमारे अमरजीत कौर हो, 10-10 बार हम लोगों ने पैर चाटे, 10-10 बार उनको जाके प्रार्थना की कि भैया एक डिमांड तो करो कम से कम, 7,500+ डीए का जब डिमांड का आप समर्थन करते हैं तो खुल के क्यों नहीं कहते हैं, आप सबके सब जितने भी श्रमिक संगठन है 7,500+ डीए की डिमांड कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए। और जिस दिन अगर आप कल सबके सब सीबीटी मेंबर्स एक मत हो जाए, प्रधानमंत्री के पास में जाए, उनसे कहे कि हमारी एक ही डिमांड है 7,500+ डीए, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7,500+ डीए ये डिमांड हमारी तुरंत मंजूर हो जाएगी। लेकिन दूसरा पक्ष आपको हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, हम तो साधक लोग हैं, हमारे पास में शक्ति भी है और भक्ति भी है, और हरभजन सिंह सिद्धू जैसे माननीय महोदय का हमें आशीर्वाद भी है, इसलिए निश्चित रूप से हमें विजय मिलेगी, इसमें बिल्कुल शंका नहीं है। आपसे निवेदन है, आप हमारे मंच पे आए, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने साथ सीबीटी मेंबर्स हैं उनसे कहिए कि 7,500+ डीए की डिमांड को एक ही डिमांड उठाइए, और जिससे कि हमारे ऊपर अन्याय ना हो। इसी इसके निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ ली थी और जो मैं बोला, मैं समझता हूँ कि हमारे साथी ने मेरी पूरी बात या तो सुन नहीं पाए या उनकी समझ में नहीं। मैं अच्छा, मैंने ये कहा था कि जब हमने पहले 2 सालों में 4 हड़तालें करी, 4 हड़तालें करी साथियों, तो उनमें हमारी डिमांड थी 15,000 मिनिमम पेंशन की। अब इन्होंने सलाह तो दी है कि भाई हम सब एक हो जाएं। मैं इनसे भी आगे की बात करता हूं कि जिस दिन इस देश में जितने भी केंद्रीय मजदूर संगठन हैं अपने झंडे डंडे की लड़ाई छोड़कर और मजदूरों का केवल एक संगठन हो जिसमें लोकतंत्र हो, बैलेट से चुनाव हो और वो नेतृत्व चुना जाए, झंडे डंडे की लड़ाई छोड़ दें। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि हिंद मजदूर सभा केवल एक ऐसा संगठन है जो प्योरली मजदूरों के मुद्दों को उठाता है और उन पर लड़ाई लड़ता है, और हम खुद मजदूर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लीडर ना तो किसी आश्रम से आया और ना पैराशूट से आया। हिंद मजदूर सभा का नेतृत्व पूरा जिन्होंने संघर्ष किया, हमने लाठियां गोलियां खाई हैं, पुलिस के मुकदमे झेले हैं और आज भी झेलते हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के साथ इन संगठनों का संबंध है, मैं कड़वी बात नहीं कहनी चाहता, हमारे साथ उनके मतभेद इसलिए हो जाते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का सरकार उनके तोते का काम करता है, मतलब हमारी बातों को काटने का काम करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर हम एक दूसरे को आलोचना करने लगेंगे तो उससे और ज्यादा बिखराव आएगा। बहुत प्रयास किया है हिंद मजदूर सभा ने कि विपरीत धारा वाले संगठनों को भी जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त मजदूर संघर्ष समिति बना ली, और उसके तहत हमने 4 हड़तालें कर ली और एक अब 16 को करने जा रहे हैं। तो जो संघर्ष हम कर रहे हैं, वर्कर की सैलरी कटती है, वर्कर की सुविधाएं कटती हैं, मैं समझूंगा जो वर्कर स्ट्राइक पर जाता है आज की इस महंगाई में,
वो बहुत बड़ा अपना बलिदान और त्याग कर रहा है। अब रही बात ये कि आपने 7.5 का मुद्दा रख दिया, 7,500 का, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने मुद्दे दिए थे 15, आप आए थे सारे लोग, उसमें हमारा 8,000 था, और आप खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि हरभजन जी ने कह दिया कि चिट्ठी दे दी कि हम 7,500 को आपके साथ सहमत है, तो फिर झगड़ा क्या रहेगा? जब हमने कह दिया कि 7,500 जो आप कह रहे हो सहमत है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि भाई जो एसडी त्यागी के मुंह से निकले वो तो सम्मान है, लेकिन जब सहमति बनानी होती है, जो वहां पे सरकार, साथियों सुनो, सीबी टीम में जो मेजोरिटी है वो सरकार और जो मालिकों के प्रतिनिधि है उनकी है, आप जानते हैं पत्रकार है, मजदूर संगठन 1/3 रह गए, और उसमें भी मजदूर संगठन बटे हुए हैं, भारतीय जनता बीएमएस का आपको खुद बता रहे हैं तो क्या रोल करते हैं अंदर, वो बोलने से रोकते हैं दूसरे संगठनों को, इन तक को जो कांग्रेस की, तो उन्होंने बाहर कर दिया ज्वाइंट कमेटियों से, अब रह गए वो कम्युनिस्ट और दूसरे, मतलब ये इतना आसान काम नहीं है साथियों, के कह दिया ये हो गया, एकता को बनाना, अलग अलग विचारधारा वाले लोगों को जोड़ना, ऐसा है जैसे किसी कोई आपको कह दे कि मैंने को एक तराजू में तोल दो, वो उठ क्या कर रहे, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका पेंशन का मैं इसलिए नहीं आया कि हम कोई श्रेय लेना चाहते हैं कि जी हमने करवाई है, मैंने तो आपको यहाँ सच्चाई बोली थी कि जब पूरे मजदूर संगठन विरोध कर रहे थे कि पेंशन स्कीम नहीं आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, तो अकेले हिंद मजदूर सभा थी जिसने कहा कि नहीं आनी चाहिए, जब लागू होगी तो अब इसमें संशोधन सुधार करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर आएगी ही नहीं, आज जिनकी आप बात कर रहे हो तो वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो तो उस टाइम विरोध कर रहे थे पेंशन स्कीम का ही पूरी का, और आप ईपीएफ की पेंशन को छोड़ो, क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? एनपीसी क्या है, क्या फौजियों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? अग्निवीर, क्या अग्निवीरों की पेंशन पर प्रहार नहीं किया? हम सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं सभी के, हम इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे कि मैं मजदूर हूं, सिर्फ मेरी 7,500 पेंशन बढ़ जाए तो हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। आज जहां जहां शोषण है जिन वर्गों का, हम सबको उनको इकट्ठे हो गए और अपनी एक ताकत के साथ धमकी नहीं देनी चाहिए, और धमकी के साथ साथ करके भी दिखाना चाहिए। अगर इस सरकार को हम वोट की चोट देने का, इसको क्या किसी पार्टी की हो, सफल हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन पार्लियामेंट के अंदर आपके प्रतिनिधि होंगे, विधानसभा के अंदर आपके प्रतिनिधि होंगे, योजनाएं और कानून आपके हितों में बनेंगे, अब हम भिखारी नहीं होंगे, आज हम मांग रहे हैं उस टाइम हम अधिकारी होंगे, हम अपने अधिकार अपने आप ले सकते हैं। मैंने संक्षेप में ये कहना था, ये संघर्ष लंबा है, ये एक दो दिन में खत्म नहीं हो रहा, ये शोषण जो हम लोगों का होता है, कमरे लोगों का, चाहे वो किसान है, बहुमत मतदाता किसान और मजदूर है, लेकिन हम अनेक ऐसी बातों में बह जाते हैं, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस राजनीति का जो प्रदूषित कर दिया राजनीति को, हमारे देश के राजनेताओं ने, उसको भी हमें सोचना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के पीछे लगो नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हिंदू मजदूर सभा की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा ये है कि देश में समाजवाद होना चाहिए, समता का व्यवहार होना चाहिए, और आज जो एक पूंजीपति और एक कमाने वालों के बीच में खाई पटी हुई है, आपने खुद सुना है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मुफ्त अनाज, ये साथियों मुफ्त अनाज कब तक दिया जाएगा, किसकी वजह से दिया जा रहा है, इसका मतलब किसान तो पिसता ही रहेगा, किसान तो मुफ्त खोरों के लिए कमाता रहेगा, ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, ये इस मंच का विषय नहीं है। अगर मेरे किन्हीं साथियों को हमारा, हमें कोई सही मार्गदर्शन करना है तो मैं स्वागत करूंगा, हमारे दोनों हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, एक कनॉट प्लेस में बाबर रोड पे और एक साकेत में है, आप
वो आपके हैं, हमारे नहीं है। आप आइए वहाँ डिस्कशन करिए, विचारधारा एक पैदा करिए समाज में, और एक विचारधारा को लेकर अगर हम सब साथ बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय करेंगे। और अगर हम अपनी ईगो को लेकर, अपने उसको लेकर कि भाई मैं ये कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ, सब अपने को बड़ा मानेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम फिर वही गलती करेंगे जो हम पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं। हम पिसते आ रहे हैं, लुटते आ रहे हैं, 5-5 साल में बना देते हैं, अब कैसा जमा लो, कैसा जमा लो, कैसा जमा लो, और ये अजमाई सब बंद करनी पड़ेगी। अब जो हमारे लिए परिणाम अच्छे देगा, करेगा, देश को उन्नति मजदूर और किसानों के कारण होती है, उसी से उद्योग चलते हैं, ना कि उद्योगपतियों के पैसे से। ये विषय बहुत गहरा है, लंबा है। उद्योगपति पैसा खा के भाग जाते हैं, उनका पैसा वापस ले आए तो 7,500 तो हमारी उसी मिल जाएगी। ठीक है सर, आप बताइए। त्यागी जी के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, कुछ बातों से हम सहमत हैं, लेकिन जो जिस प्रकार से त्यागी सर का कहना है कि हमसे कहा जाए कि तू आप जो है बैल से दूध निकालो, तो बैल से दूध निकलने वाला नहीं है। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ईपीएस के मुद्दे पर ये शुरुआत है, ईपीएस मुद्दे से जुड़े हुए प्राथमिक शुरुआत करें, विजय हमारी सुनिश्चित है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।